सुबह पीपल कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। गाइज सुबह सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा था, आपको मुंह से तो लग ही रहा होगा। एनीवेज गाइज, पता नहीं किसी की नज़र लगी है क्या हुआ है क्या, कि गाड़ी को जितना ठीक कराने की कोशिश करता हूँ उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा हो, थोड़े दिन क्या, 3-4 दिन पहले की बात है, गाड़ी को पूरा आगे इंश्योरेंस में रिपेयर करवाया था, मतलब एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद, एंड आज फिर से अगेन ऐसा कुछ हुआ है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और यार आप लोग बोल रहे हो कि भाई डेली कंटेंट लिया आता है कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो गया, तो यार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या हो रहा है मेरी गाड़ी के साथ और कैसे आप उसे ठीक करें या फिर क्या कुछ गलती हो रही है, वो सब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑफेंड मत हुआ कीजिए, कंटेंट की तरह लिया कीजिए उसे, बिकॉज मैं किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं करूँ। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार जो रास्ते में खड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट की वीडियो बना रहे हैं वो लोग, तो भाई उन लोगों से तो बहुत अच्छा ही है कि अपना खुद का कंटेंट है कम से कम, और डेली एक्सीडेंट की वीडियो दूसरों की गाड़ियों की नहीं लाता, जो खुद की गाड़ी की साथ हो रहा है और रिपेयरिंग होने के बाद भी दिखा देता हूँ क्या कुछ खर्चा आया, वो सब कुछ आया है, और मिक्स कंटेंट पूरा लेके आता हूँ। तो ये नहीं बोल रहा कि भाई आप लोगों को ज़रूरी है कि मेरा कंटेंट पसंद ही आए, बट स्टिल बता रहा हूँ कि कंटेंट ओरिजिनल होता है और जो जो मेरी गाड़ी के साथ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एनीवेज जैसे कि आपने देखा होगा कि समवन स्क्रैच्ड माय कार अगेन, या जो भी आपने टाइटल पढ़ा है अभी वीडियो को देखते हुए, तो बिल्कुल सही है। और ये एक्सीडेंट होने के, मेरी गाड़ी ठीक होने के महज 2 या 3 दिन बाद की कहानी है, यानी कि कल रात की ही कहानी है। आज संडे है, सैटरडे रात की। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। तो गाइस ये चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्या हुआ, कल का पूरा सीन बताता हूं आपको। पहले तो आप लोग देख लीजिए कि मारुति का जो बम्पर लॉक है वो इतना ज्यादा खराब होता है जिसकी कोई हद नहीं, जो चीज बुरी है भाई वो बुरी है। यहां तक जो बम्पर है उस पर पूरा, यानी कि किसी गाड़ी ने ठोका था या कोई जो गाड़ी है वो मेरी गाड़ी के साइड से जाती हुई टच कर गई, तो यहाँ का जो पूरा पेंट है आप देख सकते हो कि जो पूरा पेंट है वो उखड़ चुका है। साथ ही साथ पेंट की बात ऐसी है कि बफिंग से ये ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पे जो बम्पर लॉक हैं ये मारुति के इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, आप देख सकते हैं ये जो, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देख रहे होंगे लूज़ है पार्ट, तो बम्पर लॉक है ये पूरा टूट चुका है और ये रिपेयरिंग नहीं हो सकती इस चीज़ की। इसका एक ही सोल्यूशन है कि पूरा का पूरा बम्पर बदला जाए, जो कि मैं नहीं बदलवाने वाला हूँ, अब जैसा चलेगा वैसा चलेगा, बिकॉज किसी का भी कुछ धर्म नहीं रहा भाई। सब लोग ऐसे तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि भाई दूसरे की गाड़ी तो गाड़ी नहीं है। और अब मेरे को दूसरा चीज़ समझ नहीं आता कि किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी थी जिसके, हालांकि ये मेरे मामा जी घर के आगे खड़ी थी, बट उसने, यानी कि उसका जो मतलब दरवाज़ा है वो टच हो रहा था, जो भी है, तो उसने अपनी गाड़ी अंदर चढ़ाते हुए इसमें पीछे मारा है, या फिर जान करके कोई गाड़ी में मार गया ऐसे देख के कि भाई पीछे हर्ष ब्लॉग्स आप देख रहे हो लिखा हुआ है। तो कईयों को होती भी है कि केयरलेस की यार ये मारुति के बारे में अच्छा बोलता रहता है, गंदा बोलता है, जो भी है, जिस भी चिड़के किसी ने मारा ही है। बट आप खुद देख सकते हैं कि अभी जो गाड़ी है पूरी, यहाँ से जो इधर का काम था वो हुआ भी नहीं था अच्छे से, यानी कि ये सब मारुति की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स भी आया भी नहीं था, वो भी बताऊँगा आपको कि क्या कुछ सीन है। उसके बीच में ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारा कांड हो चुका है, और यार बहुत ही बुरा लगता है, बिकॉज गाड़ी तो मतलब जितनी संभाल के रखो खुद, अगर खुद के हाथ से एक्सीडेंट हो तब भी इतना बुरा ना लगे, बट अगर खड़ी खड़ी गाड़ी में कोई मार दे तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा फील होता है, एंड सेम मेरे साथ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भाई है पूरी गाड़ी को यहाँ से पूरा डैमेज कर दिया है, मतलब बम्पर को डैमेज ही कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि ये लॉक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ये लॉक पूरा निकला हुआ है ना यहाँ से, तो और यहाँ पर भी अगर मैं आप साइड से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि लॉक है पूरा टूटा हुआ है। तो मैं इसको अगर अंदर ऐसे भी मारता हूँ तो उसके बाद भी ये पूरा लॉक जो है वो अच्छे से बंद नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो देख सकते हो गाइस कि ये जो लॉक है ये पूरा अच्छे से बंद नहीं होगा यहाँ पे भी कितनी बार ऐसी। तो इसकी जो फुल रिपेयरिंग है उसकी तो मैं आपको दिखाई दूंगा वीडियो की क्या कुछ है जहाँ पे मैं बफिंग करवाने वाला हूँ, बट इधर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये लॉक है ये टूट चुके हैं और ये अच्छे से नहीं लगने वाले हैं यहाँ पे। रही बात इधर की, तो गाइस इधर का अपडेट मैं आपको एक ये देता हूँ कि ये जो दूसरी गाड़ी का पेंट है ये वो है और ये बफिंग से चले जाएगा, बट स्टिल ये जो डीप स्क्रैचेस हैं ये कुछ भी नहीं जाने वाले यहाँ से। तो गाइस जो मैं बता रहा था कि ये जो गाड़ी का दूसरी का पेंट है ये तो चले जाएगा बफिंग से, बट यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं कि अंदर तक जो गया हुआ है, यानी कि जो गाड़ी का ही पेंट है वो उतर चुका है, तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो ठीक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो कि ये नुकसान हो गया, अब खड़ी खड़ी गाड़ी का अब क्या कर सकते हैं, इसमें किसी ने किलस के करा है, किसी ने कैसा करा है, बट नज़र लगी है किसी गाड़ी पे, जो भी है, बट गाड़ी का हर आए ना आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, एक्सीडेंट आपने देखा होगा। और रही बात की उधर का, मैं आपको बताऊं कि गलती उसमें भी नहीं थी मेरे, बिकॉज उनने आके यहाँ से मारा था और मैं जो था वो गाड़ी टर्न करा था, अब टर्न पे क्या कुछ स्पीड होती है आपको खुद को ही पता होगा, तो उसमें भी जो था उनका करा दिया मरम पट्टी, बट
दूसरा अपडेट गाइस आपको दूं कि जैसे मैंने बताया था जो फॉग लैंप्स हैं आगे को नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ वाला जो फॉग लैंप था वो फ्यूज़ हो गया था, उसकी वजह से वो वाला फॉग लैंप है उसकी भी मैंने निकलवा दिया कनेक्शन, बिकॉज एक फॉग लैंप अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ये कुछ था, गाड़ी गंदी हो रही है बिकॉज बारिश का मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जैसा कुछ है यहाँ पे, आप वापस अगेन दिखा दूँ आपको कि गाड़ी कैसे साइड से गई हुई, यार बहुत बुरा लगता है। सो गाइस इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था, उम्मीद तो क्या करूँगा कि पसंद आएगी नहीं आएगी, बिकॉज गाड़ी के डेली की डेली कुछ ना कुछ नुकसान हो रहे हैं। तो अब मैं बस ट्राई करूँगा कि दिल्ली जाके एक बार इसमें थोड़ी सी बफिंग करवा लूँ, और अगर कुछ बम्पर लॉक की भी बात बनती होगी तो वो भी कराऊँगा। एनीवेज गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। बाय बाय, थैंक्स।